तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका, और जय हिंद आप सभी को। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। और यहाँ पे हम TGT और PGT साइंस के लिए दो हज़ार नौ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप TGT साइंस और PGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, टीचिंग एग्ज़ाम की, चाहे आप TGT एग्ज़ाम कर रहे हों, PGT की कर रहे हो, या DSSSB की कर रहे हो, KVS NVS किसी की भी कर रही हूँ, उसमें साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बने रहिए, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने जो है थंबनेल में उत्तराखंड LT लिखा हुआ था, या ये क्वेश्चन क्या सिर्फ LT के लिए है? तो आपको बता दूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भारत के किसी भी स्टेट में हों, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हैं, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 74 तक मैं पिछले पार्ट में बना चुका हूँ, 12 पार्ट मैंने बना चुके हैं। नहीं देखें तो पिछले पार्ट में देख लें, नीचे दी गई है। और इन क्वेश्चंस का PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि मनुष्य के रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। इन ह्यूमन ब्लड द नॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इन पर क्यूबिक mm वो कितनी होती है। वो होती है 2 लाख से लेके 4 लाख के बीच में। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाख से लेके 4 लाख तक के पर क्यूबिक मीटर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं, देखिए हमारे ब्लड में जो ब्लड होता है इंसान का, ह्यूमन का जो ब्लड होता है, वो 4-5 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसमें RBC, एक होता है WBC, एक होता है उसमें प्लेटलेट्स, एक होता है उसमें प्लाज्मा। तो यहाँ पे इसी प्लेटलेट्स की बात की गई है। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करना, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करना, इसका मेन काम होता है। और जो इस ब्लड प्लेटलेट्स की जो सेल कोशिकाएँ होती हैं, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। और इन कोशिकाओं का, प्लेटलेट्स की जो कोशिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल लगभग कितना होता है, 7 से लेके 10 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिग्मोइड वक्र। क्या कहलाता है? सिग्मोइड वक्र कहलाता है। यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र सिग्मोइड वक्र कहलाता है, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले सिग्मोइड नामक जो है साइंटिस्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए 77 कि ब्लड ग्रुप AB कंटेन्स, रुधिर वर्ग AB में होता है। क्या होता है, देखिए रुधिर वर्ग में, रुधिर वर्ग जो AB होता है उसमें एंटीजन A और B दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन जो रुधिर वर्ग AB होता है उसमें एंटीबॉडीज नहीं होते। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा, कोई भी इसमें प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज नहीं मिलते। देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चार्ट आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो ब्लड ग्रुप A होता है, A ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होते हैं वो A एंटीजन मिलता है, एंटीबॉडी क्या मिलती है, B मिलती है। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन जो है B मिलता है, एंटीबॉडी क्या मिलती है, A। और जो ब्लड ग्रुप AB होता है उसमें एंटीजन जो है AB दोनों एंटीजन मिलते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी इसमें पाई नहीं जाती। और जो ब्लड ग्रुप A है इम्पोर्टेंट, उस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं मिलता, लेकिन एंटीबॉडी जो है दोनों A और B पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना किसकी वजह से रुका रहता है। तो इसका आंसर है हीपेरिन के कारण। ऑप्शन नंबर B इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्यों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड में जो हीपेरिन होता है, हमारे ब्लड में वेसल्स में, हमारी धमनियों में, हमारी वेसल्स और सिराओं में जो ब्लड फ्लो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में फ्लो होता है। अगर वहाँ पे उस रुधिर को थक्का बनने से रोकता है हीपेरिन, अगर हीपेरिन नहीं होगा हमारे ब्लड में तो ब्लड का थक्का बन जाएगा, ब्लड जम जाएगा, और जमने से वो जो है पूरी बॉडी में फ्लो होगा नहीं, पूरी बॉडी में फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है फ्लो नहीं हो पाएगा, प्रवाहित नहीं हो पाएगा, और हमें जो है इससे जो है एनिमल की डेथ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कि फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज, मनुष्य के वृक्क के निस्पंदन में जो निस्पंदन दाब होता है कितना होता है, वो होता है लगभग 15 mm of Hg। 80 क्वेश्चन देखिए कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर टेक्स प्लेस बाय, किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए ऑर्निथ्रिन साइकिल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 देखिए
कि द किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट वयस्क खरगोश के का वृक होता है, कैसा होता है, तो वयस्क खरगोश का जो वृक होता है वो होता है मेटेनोफ्रोस, किस तरह का मेटेनोफ्रोस का जो इसका किडनी है उस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कि मॉर्फोजेनेसिस स्टार्ट्स विद, मॉर्फोजेनेसिस प्रारंभ होता है कब, किस अवस्था में प्रारंभ होता है, तो मॉर्फोजेनेसिस प्रारंभ होता है गैस्ट्रोलेशन की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कि हेयरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, सुनने का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है, तो सुनने का जो नियंत्रण है वो होता है ऑप्शन नंबर जो है बी के द्वारा, किसके द्वारा, टेम्पोरल नोब्स के द्वारा, टेम्पोरल पालियों के द्वारा सुनने का नियंत्रण होता है। 84 देखिए कि एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन वाला भाग कहलाता है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम लोग प्रोस्टेथिक एंजाइम, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन वाला भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेथिक ग्रुप बोलते हैं, प्रोस्टेथिक समूह बोलते हैं। 85 देखिए, केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन, किसमें होता है, केवल एक अंडाशय, केवल एक अंडाशय बर्ड्स में होता है, पक्षियों में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, देखिए एक अंडाशय से पक्षियों का जो वेट है, जो भार है वो हल्का रहता है, और इससे इनको उड़ने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 86 है, बायलोमिनोसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, बायलोमिनोसेंस प्रदर्शित होता है किसमें, तो बायलोमिनोसेंस दिखाता है कौन, ऑप्शन नंबर ए सेरेटियम के द्वारा, यानी बायलोमिनोसेंस दिखाया जाता है किसके द्वारा, सेरेटियम के द्वारा। 87 देखिए कि स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन, स्कॉर्पियन बोलते हैं बिच्छू को, तो मकड़ियां तथा बिच्छू किस वर्ग में सम्मिलित होती हैं, तो इसका आंसर है अर्केनिडा में, किसमें, अर्केनिडा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मकड़ी और बिच्छू को अर्केनिडा में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि सी हॉर्स इज, समुद्री घोड़ा होता है, क्या होता है, समुद्री घोड़ा एक फिश होती है जो कि समुद्र में मिलती है, सी वाटर में मिलती है। 89 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिम्बलेस एम्फीबियंस, लिम्ब बोलते हैं पाद को, फुट को, पैर को, तो इनमें से किस में पैर नहीं पाया जाता, वो एम्फीबियन है, एम्फीबियन वो होते हैं जो जल और जो है जमीन में दोनों में रह सकते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इक्टियोफिस। इक्टियोफिस एक ऐसा जो है, एक ऐसा एनिमल है जो जिसमें फुट नहीं मिलता और वो एक एम्फीबियन होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि सिन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, समुदाय पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है, तो सिन इकोलॉजी अध्ययन है किसका, ऑप्शन नंबर ए कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, यानी वातावरण के संबंध में समुदाय का अध्ययन होता है सिन इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पॉपुलेशन की इकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि द स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए स्व पारिस्थितिकी बोलते हैं। ऑटो का मतलब जंतुओं का वातावरण के साथ संबंध को हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। 92 देखिए, 92 है कि पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन, यानी संख्या का पिरामिड उल्टा किस में होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी सुगर केन के इकोसिस्टम, यानी गन्ने का जो पारितंत्र है, गन्ने का जो खेत है उसमें जो नंबर का पिरामिड होगा वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कि यूट्रोफिकेशन संदर्भ, यूट्रोफिकेशन इज रेफर टू, किससे संबंधित है ये, तो यूट्रोफिकेशन संबंधित है हाई प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से संबंधित है यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि एलोपैट्रिक स्पेशिएशन इज ड्यू टू, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन होता है, क्यों होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण, किसके कारण, ऑप्शन नंबर बी भौगोलिक पृथककरण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द वर्टिब्रेट आई आर डेवलप्ड फ्रॉम, जो कशेरुकी होते हैं उनमें नेत्र लेंस और जो रेटिना होती है वो किससे विकसित होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए
एक्टोडर्म से, यानी वर्टिब्रेट्स में, कसौरिकियों में जो लेंस और रेटिना होता है आई का, वो एक्टोडर्म से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 96 देखिए कि मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, यानी स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरित रूप होती है, किससे बनी हुई होती हैं। इसका राइट आंसर है जो मैमल्स मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो बनी होती हैं स्वेट ग्लैंड से, स्वेद ग्रंथियों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इलास्टिक कार्टिलेज कैन बी सीन इन, लचीली उपास्थि या बोन्स किस में पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर बी पिने ऑफ मैमल्स, स्तनियों के कर्ण पल्लवों में पाई जाती हैं लचीली उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, डार्विन मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन थ्योरी, यानी डार्विन के सिद्धांत में सबसे जो है उपयुक्त बात क्या कही गई है, तो वो कही गई ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। यानी डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, वो हमेशा नई जातियों के बनने को जो है बताता है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 99 देखिए कि संरचनाओं का कौन सा निम्नलिखित सेट मानव शरीर के सभी अवशेषी संरचनाओं को, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुच्छ कोशिकाएं, वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, कर्ण पल्लव की पेशियां, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 100 देखिए, अवशेषी अंग वो होते हैं जिनका अब मानव शरीर में कोई यूज नहीं रह गया। ठीक है, 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, विच इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड वर्ल्ड बर्ड, सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी किसको कहते हैं, तो आर्कियोपटेरिक्स ऑप्शन नंबर बी को कहते हैं। ठीक है, देखिए संयोजी कड़ी क्या होती है, देखो वे एनिमल जो दो एनिमल के बीच की दो एनिमल के बीच की जो है करेक्टर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए कि विच ऑफ दीज आर एनालोगस ऑर्गन, इनमें से कौन से एनालोगस ऑर्गन होते हैं। देखिए एनालोगस ऑर्गन वो होते हैं समजात अंग जो है, इनको समृद्धि अंग बोलते हैं, वे ऑर्गन जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन उनका जो काम है वो सेम होता है, उनको हम एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कीटों के पंख तथा पक्षी के जो पंख होते हैं दोनों का उपयोग होता है उड़ने के लिए, लेकिन दोनों की संरचना होती है अलग अलग, तो जिनकी संरचना होती है अलग अलग और काम होता है सेम, उनको बोलते हैं हम लोग एनालॉगस यानी समवृत्ति अंग। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए कि होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है किसका, जावा एंड पेकिंग मैन का, जावा और पेकिंग मानव का जो है नाम है होमो इरेक्टस। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए कि क्वेश्चन नंबर है पिथेंकोथ्रेफस का बॉटनिकल नेम है, जावा कपी मानव का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है होमो इरेक्टस, ऑप्शन नंबर ए होमो इरेक्टस। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए कि प्राइमेट्स इंक्लूड, प्राइमेट्स में कौन से सम्मिलित होते हैं, तो प्राइमेट्स में सम्मिलित होते हैं लॉरिस, लिमर्स, टॉर्सियस, बंदर, कपी और मानव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, होमो सेपियंस अपेयर्ड ऑन द सीन, यानी होमो सेपियंस किस जो है काल में प्रकट हुए, तो होमो सेपियंस लगभग आज से 10,000 वर्ष पूर्व 10,000 ईयर्स पहले जो है पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 106, शहद क्या होता है, तो शहद होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, शहद जो है वो शहद थैली में संग्रहित लारयुक्त एक पराग रस होता है, यानी जो नेक्टर मिक्स्ड विद सलाइवा एंड स्टोर्ड इन द हनी सैक, यानी मधुमक्खी में एक जो है हनी सैक होता है, उसमें मधुमक्खी का लार और जो पौधों में जो वो होता है पराग होता है उसका एक मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए कि भारत का सबसे अधिक रेशम उत्पादन वाला राज्य, द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है, सिल्क उत्पादन जो है रेशम कीट से होता है, और सिल्क उत्पादन की जो रेशम कीट के पालन को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए कि विच वन इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, कौन सा लिंग संलग्न रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, यानी वर्णांता जो है वो एक लिंग संलग्न रोग है, यानी जो वो एक जीव से यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलती है बाय द हेल्प ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि क्रोमोजोम के द्वारा। देखिए वर्णांता होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस,
जब कोई व्यक्ति ग्रीन और रेड कलर में फर्क नहीं कर पाता, उसको पहचानने में उसको दिक्कत होती है, तो इस तरह के रोग को हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वर्णांता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए कि मोनो मैंगोलॉइड कंडीशन इज रिलेटेड टू, मैंगोलॉइड स्थिति किससे संबंधित है, वो संबंधित है किससे, ट्राइसोमी से, ऑप्शन नंबर बी। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन एक सहजीवी जीवाणु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये पौधों की जड़ों में जो है पाया जाता है, इसका मेन काम होता है ये पौधों की जड़ों में जो है नाइट्रोजन स्थिर फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करके उनको देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111